अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स क्या हाल है उम्मीद है कि आप सभी फ़्रेंड्स खैरियत से होंगे और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान का जो दूसरा वार्म अप मैच है वो पाकिस्तान का कल खेला जाएगा और उसमें तीन बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो हमें नज़र आ रही हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया आएँ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम दूसरा अपना वामा मैच कल आस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेगी और उसमें जो है वो तीन जो पाकिस्तान के रिजर्व प्लेयर हैं इनमें मोहम्मद हारिस हैं इब्रार अहमद और जमान ख़ान इन तीनों को शामिल किए जाने की चांस के चांस हैं और जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाएगा उनमें अब्दुल्ला शफीक के चांसेस हैं उनको शायद उनकी जगह पर फ़खर जमान को खिलाया जा सकता है और इसके बाद हम आपको ये भी बता रहे हैं कि वसीम जूनियर और हसन अली की नाकस बॉलिंग की वजह से उनको भी टीम से ड्रॉप किए जाने के काफ़ी हद हाँ तक चांसेस बढ़ चुके हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान अप दूसरे वार्म अप मैच में कैसी परफॉर्मेंस देता है और इसके बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का, का आगाज़ जो है वो छः तरीक से करेगी